नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आए हैं जिसमें कि आप स्टूडेंट्स जो हैं, आजकल देखा जा रहा है जो घर से पढ़ाई की जा रही है ऑनलाइन, उसमें जो समस्या आती है C++ लैंग्वेज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो कंप्यूटर ना होने के कारण या फिर कंप्यूटर लैब में वो जब स्कूल कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, तो वो घर पर कैसे इन प्रोग्रामिंग कोड्स की प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन आज बताने वाले हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर लिखना है मोबाइल C++। ये आप देखिए सबसे ऊपर आया है मोबाइल C++ कंपाइलर। काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं। ये 4.2 इसकी रेटिंग है, 1 मिलियन प्लस से ज़्यादा इसको डाउनलोड्स मिले हैं दोस्तों। ये 80 MB के करीब आसपास ये है। इसको आप जो है जब यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये इनिशियलाइज होगा दोस्तों। मैं अब आपको यहाँ पर एक एक करके चीज़ें बताता जाऊँगा। ये जो इसका इंटरफेस है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आप यहाँ पर जब कोई नई फाइल बनाएंगे उसके लिए है। इसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे, ये है एक फोल्डर। फोल्डर के अंदर अगर आप फाइल बनाना चाहते हैं तो ये सेटिंग्स का काम करेगा दोस्तों। इसके बाद जो फोल्डर हम बनाते हैं, वो फोल्डर आप देखेंगे, ये आपको फोल्डर दिख रहा है जो मैंने प्रोग्राम नेम से बनाया हुआ था। इसके बाद दोस्तों ये जो नीचे और भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसमें आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको अलग अलग व्यूज़ में जो है आपको ये दिखाने वाला है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें जो है चलना है, और चलने के बाद हम आपको बता देते हैं कि ये प्रोग्राम्स नाम का आपको फोल्डर दिख रहा होगा, ये जो मैंने बनाया है। मैं आपको एक बार और बनाकर दिखा देता हूँ। हम प्लस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने फोल्डर का नाम रख दिया है हेलो। ये देखिए ये पेरेंट फोल्डर बन गया है। अब मैं इसके अंदर एक फाइल को बना देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम। ये मैंने रख दिया है माय फर्स्ट प्रोग्राम, और इस तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम बना सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वहाँ लेकर चलता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पर पीछे आएंगे, देखिए दोस्तों आपको जो हेलो नाम का फोल्डर है वो यहाँ पर आ गया है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में जो मैंने बनाया है। इसके अंदर दोस्तों आपको दो प्रोग्राम दिख रहे हैं सी लैंग्वेज में, फर्स्ट और सेकंड। मैं आपको पहले फर्स्ट प्रोग्राम पर लेकर चलता हूँ। आप यहाँ पर प्रोग्राम देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है दो नंबर को ऐड करने का। हमने यूज़र से वैल्यू नहीं ली है, हमने यहाँ इनबिल्ट ये वैल्यू दे दी है। हम इसको रन कराएं उससे पहले मैं आपको इसके कीबोर्ड से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो आपको कीबोर्ड दिख रहा है, स्पेस के पास में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिससे कि आप इस कीबोर्ड को स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए फुल कीबोर्ड आ गया है। यहाँ पर वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी जिनका इस्तेमाल करके आप जो भी सिंबल्स को यूज़ करके यहाँ पर कोडिंग कर सकते हैं। ऊपर दोस्तों जो आपको दिख रहा होगा वो है, मैं आपको ये पेन के माध्यम से बताऊँगा, ये आप देख रहे हैं। इससे दोस्तों आप जो है इस कीबोर्ड को बंद कर सकते हैं। इस ऑप्शन से दोस्तों आप अपने मोबाइल का कीबोर्ड लेकर आ सकते हैं। ये ऑप्शन है दोस्तों कॉपी करने के लिए डेटा, ये करेगा उसको कट। इसके बाद आप किसी डेटा को कॉपी कट कर लाएंगे तो इसके माध्यम से आप पेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन दोस्तों अंडू और रीडू के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही ये जो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये प्रोग्राम को दोस्तों रन कराएगा। यहाँ पर आप टैप का ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये आप टैप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डॉट दिख रहे हैं, ये स्पेसेस हैं दोस्तों। अब मैं इसको बंद करके ये प्रोग्राम आपको रन करा के दिखाता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा, ये देखिए ये रन हो गया है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू अंदर ही दे दी थी इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम पर जो आपको दिख रहा है second.c। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए second.c हमने एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें हम दो नंबर यूज़र से लेंगे, यूज़र से लेने के बाद उन दोनों को सी वेरिएबल में जो है प्लस करेंगे, और इसके बाद सी वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे। देखिए हम यहाँ रन पर क्लिक करते हैं, यहाँ आ गया है एंटर फर्स्ट नंबर। हमने फर्स्ट नंबर दे दिया है 50। इसके बाद हमें देना है सेकंड नंबर, ये हमने सेकंड नंबर दे दिया है।
और यहाँ पर हमने जैसे ही एंटर किया दोस्तों, तो ये देखिए टोटल आ गया है 150। आप ये नीचे जो ऑप्शन देख पा रहे हैं इसमें आप सर्च कर सकते हैं, इसके बाद आप इस स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं और आप रन अगेन भी करा सकते हैं। मैं रन अगेन पर क्लिक करता हूँ, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हमने दिया सेकेंड नंबर, और ये जो है दोस्तों यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया है दो नंबर को ऐड करने का। तो इस आसान तरीके से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। और ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी किस तरह से है मैं आपको एक तीसरा प्रोग्राम बनाकर यहाँ दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फाइल को और मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड, ये मेरा तीसरा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक पेज है, यहाँ पर जैसे ही मैं हैश इंक्लूड लिखूँगा तो मुझे देखिए आपको सेंटर में ये सजेशंस दिख रहे हैं, ये देखिए इंक्लूड आ रहा है। मैं अब इंक्लूड को पूरा ना लिख के जैसे ही सजेशन पर टैप करूँगा तो वहाँ पर पूरी लाइन आ जाएगी। और stdio ये लाइब्रेरी भी जब मैं वहाँ पर लेकर आऊँगा तो देखिए ये आ गई है, और मैं यहाँ से टैप करूँगा तो वो लाइब्रेरी भी वहाँ पर प्रिंट हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये इंटीजर मेन फंक्शन हम यहाँ लिख देते हैं। अब दोस्तों जो भी एरर होता है उससे ये देखिए n को ये रेड कर रहा है, क्योंकि मेन फंक्शन के बाद आपको दो ब्रेसेस यहाँ लगाने हैं, ये ब्रेसेस लगा दिए गए हैं। इसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं दो वेरिएबल्स। तो दोस्तों जो भी आप यहाँ पर जो है काम करते जाएंगे, देखिए ये हमने वेरिएबल्स ले लिए हैं, ये तीसरा वेरिएबल ले लिया है, सेमी कॉलन लगा के हमने इसको सेपरेट कर दिया है और यहाँ से एंटर कर दिया है इस तरीके से दोस्तों। ये देखिए इसके बाद हम एक काम और करते हैं, ये वेरिएबल्स हटाकर आपको एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना देते हैं। ये देखिए दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रिंट एफ में आपको करना क्या है, ये हमने प्रिंट एफ किया। और प्रिंट एफ करने के बाद हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, इसी के साथ हम इसको बंद कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे एक और कर्ली ब्रेसेस। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है, मैं आपको कॉपी कट पेस्ट का और ऑप्शन यहाँ पर दिखा दूंगा वो किस तरीके से किया जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे ही हमने इसको रन किया तो ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है यहाँ पर आसानी से बन गया। हमने मेन फंक्शन बनाया, एक लाइब्रेरी फाइल लगाई, प्रिंट एफ के माध्यम से हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया। हमने जैसे ही इसको रन किया तो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अब दोस्तों आपको अगर कॉपी कट पेस्ट करना है, मान लीजिए आपको यहाँ से हेलो को कॉपी करना है, तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। आप यहाँ कॉपी वाला जो तीसरा ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ सिक्स लाइन पर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, तो आपको ये जो कैंची दिख रही है सीजर, इसके आगे जो ऑप्शन है यहाँ पर थोड़ी देर प्रेस कर कर रखना है। देखिए जैसे ही आप प्रेस करेंगे हेलो वहाँ पर, जितनी भी बार आप पेस्ट करना चाहें आप पेस्ट कर सकते हैं। आपको 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए उसको वहाँ पर प्रेस करके रखना होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन मुझे लगा, और जितने भी बच्चे सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को बनाना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन का यूज़ करके जो है प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन है। अगर ये एप्लीकेशन आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।